2023 का विदाई लग्न में मैं बीपी विश्वास, मेरा चैनल विश्वास 9943 का तरफ से सबको मेरा आध्यात्मिक नमस्कार और शुभेच्छा आगामी 2024 के लिए। मैं चित्रकूट में रामघाट से नौका विहार कर रहा हूँ स्फोटिक शिला पर, और चलते चलते आप देखते जाइए दोनों साइड का मैंने कुछ व्यूज, ये एक अनिंद सुंदर दृश्य है। हमारा चित्रकूट जो है, चित्रकूट ऐसा एक पहाड़ का बुनांचल में भरा हुआ जो है, ये हमारा इसमें कामतगिरी पहाड़ है, हनुमान धारा है, जानकी कुंड है और रामघाट तो है ही है जहाँ से मैं ये नौकाहरण कर रहा था। ये चित्रकूट हमारा सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है और सतना डिस्ट्रिक्ट हमारा मध्य प्रदेश के अंदर में है, ये सबको जानकारी में तो है ही है। अभी रामघाट से शुरू हुआ था जो यात्रा, वो हमारा ख़त्म होगा हमारा स्फोटिक शिला तक। इसका पीछे भी एक छोटा सा कहानी है, मैं आपको साथ जरूर ये शेयर करूँगा। स्फोटिक शिला का महत्व के बारे में जरूर चर्चा करूँगा। ये चित्रकूट जो है, ये रामायण का एक पटभूमि का आप बोल सकते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, उनका वनवास पीरियड का 11 साल के ऊपर यही चित्रकूट में ही ठहरे थे। रामगढ़ से जाने का टाइम में दोनों साइड आप देख रहा है, ये नदी का नाम मंदाकिनी है। कभी कभी इसको पायसेनी रिवर भी बोला जाता है। चित्रकूट यही नदी का तीर में अवस्थित है। इधर राम, सीता, लक्ष्मण का अस्तित्व चारी तरफ से मैंने आपको सम्मोहित करके रखेगा। इसका आध्यात्मिक मूल्यबोध आप जब इधर आएंगे तो आप समझ पाएंगे। बहुत सा साधु संत हमारा चित्रकूट का गहरे जंगल का अंदर में रहते हैं। धीरे धीरे हम लोग स्फोटिक शिला तरफ आगे बढ़ रहा है। स्फोटिक शिला का एक मैंने जबरदस्त कहानी है। रामचंद्र इधर सीता देवी को मैंने फूलों से श्रृंगार करते थे। एक दिन क्या हुआ, हमारा इंद्र का पुत्र जयंत कौवा का रूप पकड़ के आके सीता मैया का चरण में मैंने चोच मारा, जिसमें हमारा रामचंद्र नाराज हुआ और उसको बांध से उसको आग को बिद किया है। लेकिन उसमें हमारा जयंत तीनों लोक धावित हुआ है। आखिर में वो नारद के पास गया, नारद उसको सवाला दिया जी भाई आप जाइए रामचंद्र के पास, आप सरेंडर कर दीजिए, आप उसके बाद आपको वो माफ करेगा। आखिर रामचंद्र के पास आया, रामचंद्र उसको माफ तो किया, लेकिन आज भी देखेंगे जितना कौवा जो है क्रो जो है उसका एक चोक देख नहीं पाते। यही मैंने मीथ है, ये पुराण का कहानी बोलिए, विश्वास बोलिए, ये है। और ये विश्वास के ऊपर में ही हमारा पूरा सनातनी धर्म टिका हुआ है। विश्वास, विश्वास नहीं रहने से धर्म का अस्तित्व विश्वास के ऊपर, विश्वास और धर्म दोनों एक साथ दूसरा अंगांगी रूप में जड़ित है। अभी चित्रकूट का दूर से आप देखिए, हम लोग नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। जाते जाते दोनों साइड का जो हमारा जो मैंने मंदाकिनी का दोनों साइड, दोनों पहाड़, दोनों बैंक आप देखते जाइए, अनिंद सुंदर दृश्य। इधर कामतगिरी एक पर्वत है, मैं कामतगिरी पर्वत का भी परिक्रमा किया था, वो भी मैं दिखाऊंगा। देखिए नाव में जाते जाते एक मैंने साइड में लेफ्ट मैंने बैंक में एक छोटा सा पहाड़ है, जंगल है, इसका अंदर में बहुत सारा साधु संत रहते हैं जिसका पता करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। देखिए छाग लेके जा रहा है ये चराने के लिए, और हम नाव से बैठ के वो दृश्य दिख रहा है, कितना मानी सुंदर लग रहा है, आप तो खुद ही अनुभव कर पा रहा है हमारे साथ।
अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा साथी इधर सारंगी है, मेरा दोस्त तापस विश्वास भ्रमण संगी है। दूर से ये छाक का जो समष्टि जो जा रहा है हमारा पहाड़ का नीचे से नदी का किनारे से, एक अनिंद सुंदर विश्व मैंने विश्व देखते हुए मैं भी चल रहा हूँ नाव में स्फटिक शिला की तरफ। मैं उधर पंडित जी जरूर रहेंगे, उसके साथ बातचीत जरूर करूँगा और उनसे मुख से भी आपको जो कहानी मैं सुन पाऊंगा वो आप बोलिए। फटिक शिला भगवान की जय। ये है इस फटिक शिला, सुनिए। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने हाथ से फूलों के गहने बनाकर यहाँ पर सीता मैया जी का राम जी अपने हाथ से श्रृंगार कर रहे थे। तो यहीं पर आया इंद्र का पुत्र जयंत, राम जी की परीक्षा लेने के लिए कौवा का रूप धारण किया, सीता जी के चरण में चोंच मारी। जब चोंच मार के भगा तो रामचंद्र जी एक तिनके का बाण मारे तो वही कौवा तीनों लोकों में गया, लेकिन कोई शरणागति। तब नारद जी मिले, नारद जी बोले कि तुम राम जी के शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा। तब दोबारा आया माफी मांगा, तब भगवान राम जी जयंत कौवा की एक आंख को फोड़ देती, तब से सारे कौवा आज भी एक आंख के। ये राम जी का चरण है, ये घुटना और यह घुटना, वहां राम जी बैठे थे, यहाँ सीता जी बैठी थी, ये सीता जी का चरण। पीछे लक्ष्मण शिला, ऊपर मंदिर है, सामने यज्ञशाला में 7 दिन हर साल यहाँ पर महाविष्णु यज्ञ, उसी यज्ञ के कार में श्रद्धा से सहयोग लेते, लेकिन यहाँ कोई बंधन नहीं। ये आपकी इच्छा, आपकी खुशी, बन जाए तो यज्ञ में सहयोग कर सकते और नहीं इच्छा।